अब ड्रोन स्प्रेयर से भी कर सकेंगे कीटनाशक का छिड़काव। आए दिन सुनने को मिलता है कि फसलों पर छिड़काव करते समय कीटनाशक दवा के संपर्क में आकर किसान की मौत हो गई। किसानों के सामने यह बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों से इसका तकनीकी समाधान तलाशने को प्रयास जारी था। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU ने एक नया प्रयोग कर इसमें सफलता पाई है। विवेक फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग विभाग ने एक ऐसा ड्रोन स्प्रेयर तैयार किया है जिसका इस्तेमाल फसलों पर कीटनाशक व खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। विविध परिसर में किए गए ट्रायल के दौरान ड्रोन स्प्रेयर के बेहद अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इससे वैज्ञानिक उत्साहित हैं। शोधकर्ता फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी की मदद से तैयार किए गए इस GPS कंट्रोल ड्रोन स्प्रेयर की टैंक कैपेसिटी यानी रसायन लादने की क्षमता 15 लीटर है। इसकी फ्लाइंग स्पीड यानी उड़ने की गति 2 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ड्रोन में 2 लिथियम पॉलीमर बैटरी लगाई गई है जिसे चार्ज किया जा सकता है। इसे जमीन से 30 मीटर ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। विविध परिसर में जब ट्रायल के तहत इस ड्रोन स्प्रेयर से कॉटन व धान की फसलों पर छिड़काव किया गया तो सारे खेत में एक समान छिड़काव हुआ। खास बात यह रही कि ड्रोन स्प्रेयर की मदद से 4 से 5 मिनट में एक एकड़ खेत में छिड़काव कर दिखाया गया। इसके बेहतर रिजल्ट को देखते हुए इस साल अब गेहूं की फसल पर ट्रायल किए जाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि अभी यह शोध धंधर ट्रायल है। शोध कार्य पूरा होने के बाद ही इसे आम जन के लिए सुलभ कराने पर विचार होगा। विवेक के वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव सिंह ढिलो ने कहा कि भारत में तकनीकी आधारित कृषि की बहुत अधिक संभावना है। यहां अभी भी 70% से ज्यादा किसान परंपरागत ढंग से खेती करते हैं। ऐसे में इस तरह के उपकरण क्रांतिकारी साबित होंगे। ड्रोन स्प्रेयर के बहुत फायदे हैं। ड्रोन उन स्थानों पर भी आसानी से छिड़काव कर सकता है जहां अमूमन परेशानी आती है। हमारा प्रयास इसे और भी कारगर बनाने पर है। वहीं आनंद कृषि विवि गुजरात के वाइस चांसलर डॉक्टर एनसी पटेल कहते हैं कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चरल रोबोट्स और ड्रोन्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। तकनीकी ने किसानों की मुश्किलें आसान कर दी हैं। ड्रोन इसमें अहम है। इससे कृषि की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। ड्रोन से जहां फसलों पर स्प्रे किया जा सकता है, वहीं ड्रोन पर लगे कैमरे और सेंसर से फसलों का पूरा आकलन किया जा सकता है।